अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो यहाँ पे जी मैं अपने सुबह नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। आज जी बना रही हूँ मैं आलू के पराठे। आज थोड़ा जल्दी उठ गए थे तो सोचा चलो आलू के पराठे बना लेते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने आलू बॉयल कर लिए थे, अब मैं उसका पेस्ट रेडी कर रही हूँ। और इतनी देर में जी बाकी सब भी उठ गए थे तो अब मैं पराठे बना रही हूँ। बाकी सबको सर्व कर देने के बाद तो जी यहाँ पे है मेरा अपना ब्रेकफास्ट रेडी है। तो नाश्ते से फ्री होने के बाद जी कुछ मैंने अपने घर के काम वगैरह किए और यहाँ पे जी मेरे पार्सल आ गए थे कुछ। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही बात ने मेरी जो है डिश जो स्किन केयर की जो सारी ट्रे थी वो गिरा दी थी। उसमें मेरा विटामिन सी का सीरम जो था वो टूट गया था और विटामिन सी का सीरम जो है वो मुझे काफ़ी सूट कर रहा था, तो इसे मैंने दोबारा से ऑर्डर कर लिया। तो जी यहाँ पे है मेरा दूसरा पैकेज जो कि जी मुझे आज ही रिसीव हुआ है। यहाँ पे जो मैंने लोहे कुरानी ऑर्डर की थी और वो अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे पहुँच चुकी है। मुझे बहुत पसंद आई, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पे जी जिधर इसने लगना था वहाँ पे अब लग चुकी है। बाकी जी सबको शबान का चांद मुबारक हो। रमज़ान में बिल्कुल ही एक महीना रह गया है। अल्लाह ताला सबके लिए खैर और बरकत का टाइम लाए, सबको रमज़ान नसीब करे, खुशियाँ नसीब करे। और यहाँ पे जी आज मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी जी चिकन कढ़ाई। उसके लिए जो है मैं पहले चिकन को फ्राई कर लूँगी। तो जब हमारा चिकन फ्राई हो गया था, इसे मैंने जी हाई फ्लेम पे फ्राई किया था, तो उसमें मैंने अदरक और लहसुन पेस्ट दोनों ऐड कर दिए थे और उसको उसके साथ भून लूँगी। तो जी चिकन मेरे पास हाफ के जी था, तो जब मेरा चिकन भून गया अदरक लहसुन पेस्ट के साथ, तो जी उसमें मैं ऐड कर रही हूँ टोमेटोस। अब मैं इनको ऐड कर देने के बाद इनको कवर कर दूँगी ताकि ये स्टीम में कुक हो जाएं। और जब ये कुक हो जाएं तो मैं इनके जो हैं छिलके जो हैं पीस वो पील ऑफ कर दूँगी। एक्चुअली हमें तो कढ़ाई में जो है ना उसकी ग्रेवी, उसका मसाला जो है वो ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे जी जब हमारे टमाटो जो हैं वो अच्छे तरीके से गल चुके थे, तो अब मैं इधर ऐड कर रही हूँ दही। और दही के साथ ही जी यहाँ पे जो है हमारे सारे स्पाइसेस, नमक, मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी, वह सारा कुछ डाल के मैं इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। इधर इस पॉइंट पे जी मुझे जो है अपनी कढ़ाई में ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा था, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और ऑयल ऐड किया था। और जी हमारी कढ़ाई भून चुकी थी, तो अब मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। कसूरी मेथी से एक तो उसकी जो स्मेल है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे जी हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल जो कढ़ाई है वो बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी और गार्निशिंग वगैरह कर लूँगी। तो बाकी मैं अब आपको आगे दिखाती हूँ कि हमारी जो है कढ़ाई उसकी लुक कैसी लग रही है।
बजे लंच हमारा रेडी था। लंच में जी थे हमारे चिकन कढ़ाई विथ स्टिफ कट सैलेड और जी गार्लिक नान। तो ये तो हमारा लंच था। और डिनर जो है जी बिल्कुल ही सिंपल सा था, मसूर की दाल और साथ चावल। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उसने हमें इतनी सारी नेमतों से नवाजा हुआ है। अल्लाह का करोड़ बार शुक्र है। इस ट्रायल से चिकन कढ़ाई बहुत ही मज़े की बनी थी। आप भी ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद है तो प्लीज़ बना के मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी। और जी बस मेरा आज का व्लॉग यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।